सो गाइस फाइनली गरमागरम टेक्निक जा चुका है एप्पल के तरफ से, सैमसंग के तरफ से और पबजी मोबाइल इंडिया के तरफ से, और भी काफी सारे टेक न्यूज है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले, मैं नाम सिप्पू, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिप्पू झा। सो गाइस सबसे पहला टेक न्यूज निकल कर आता है सैमसंग की तरफ से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैमसंग की तरफ से मैं जल्दी मिलने वाला न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन, इसका जो प्राइस होने वाला है वो under 10,000 में होने वाला है। एग्जैक्ट देखते हैं कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 में जनवरी में हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस एप्पल के बहुत सारे आईफोन यूजर ने एप्पल को रिपोर्ट किया कि जब से iOS 14 का उनके फोन में अपडेट देखने को मिला, उसके बाद उनके फोन में WhatsApp टेक्स्ट नोटिफिकेशन को लेकर बग देखने को मिला है, प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। काफी सारे आईफोन यूजर ने रिपोर्ट किया। बेसिकली ये प्रॉब्लम उन आईफोन में हो रहा है जो आउटडेटेड हो चुका है, जैसे कि iPhone 6, iPhone 7, उनमें जब से iOS 14 का अपडेट आया तब से उनमें बग देखने को मिला है। अगर आप भी आईफोन यूज करते हैं तो कमेंट कीजिए कि आपके फोन में भी बग देखने को मिला है। सो गाइस फाइनली OnePlus 9 का जो है फोटो लीक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे कुछ ऐसा होने वाला है डिजाइन OnePlus 9 का। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल कर आता है PUBG मोबाइल इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले PUBG मोबाइल इंडिया की तरफ से कुछ न्यूज निकल कर आया था, और वहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर PUBG मोबाइल इंडिया को प्ले स्टोर पे लॉन्च नहीं किया जाता है, उसके बदले वो अपने वेबसाइट जो .in वेबसाइट है उन पे वो रिलीज कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा वेबसाइट है और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक देखने को मिला है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और PUBG मोबाइल इंडिया को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे काफी सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं। बेसिकली उसके अंदर में हार्मफुल वायरस है, मालवेयर है, इससे आपका फोन का जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो आप किसी भी ऐसे वेबसाइट से या फिर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज में से जाके किसी भी ऐसे PUBG मोबाइल का APK को मत डाउनलोड कीजिए। गाइस नेक्स्ट जो सप्ताह आ रहा है, इस सप्ताह के अंदर में आप एप्पल के ऐप स्टोर या फिर एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से बहुत सारे पेड ऐप को फ्री में यूज कर पाएंगे, ऐसा आईफोन की तरफ से और एंड्रॉइड की तरफ से न्यूज देखने को मिला है हम सबको। तो अगर आप भी यूज करना चाहते हैं यहाँ पे आप बहुत सारे पेड ऐप को फ्री में भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक जो निकल के आ रहा है उसमें। तो गाइस आईफोन 12, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स का यहाँ पे लग्जरियस वर्जन देखने को मिला है, मून वर्जन, मार्स वर्जन और मर्कुरी वर्जन। यहाँ पे आपको बता दूं इन सबके प्राइस के बारे में। सो गाइस यहाँ पे मून वर्जन का जो प्राइस बताया गया है $7,520 इंडियन करेंसी में से ट्रांसफर करता है तो 5,50,000 रुपया इस आईफोन का प्राइस होने वाला है आईफोन 12 का। अगर आप आईफोन 12 का यहाँ पे मार्स वर्जन खरीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस पड़ने वाला है $7,800। यहाँ पे बात करें इंडियन करेंसी में अगर इसे ट्रांसफर करते हैं इसका प्राइस पड़ने वाला है 5,80,000 रुपया, काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आप मर्करी वर्जन आईफोन खरीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है $7,980। अगर आप इस प्राइस को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करते हैं तो इसका प्राइस पड़ने वाला है 5,80,000 रुपया के राउंड में। मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फोटो भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ ऐसा डिजाइन होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आईफोन 13 का जो बॉक्स लीक हो चुका है कुछ इस प्रकार से बॉक्स होने वाला है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन 13 देखने को मिलेगा, और नहीं उसके साथ यहाँ पे आपको चार्जर और यहाँ पे आपको ईयरफोन भी देखने को नहीं मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पे चार्जर केबल भी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। सो गाइस कुछ इस प्रकार से आईफोन 13 का बॉक्स बताया जा रहा है। यहाँ पे आईफोन वाले सब कुछ निकालते ही जा रहे हैं। अगर आप भी सोनी का एबिनी स्पीकर या फिर हेडफोन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अमेजोन पे काफी सारे डिस्काउंट देखने को मिला था, आप एक बार जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी रेडमी का 7 या फिर रेडमी का Y3 या फिर रेडमी का 6A मोबाइल यूज करते हैं, इन सब मोबाइल में MIUI 12 का अपडेट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है, ये बात कन्फर्म हो चुका है। अगर आप भी नोकिया का 6.1, 6.1 प्लस या फिर 6.2 या फिर 7 प्लस या फिर 7.1 या फिर 7.2 स्मार्टफोन यूज करते हैं, यहाँ पे आपको इन सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड वर्जन 11 का जल्दी अपडेट। सो गाइस नेक्स्ट गुड न्यूज निकल के आता है, काफी ज्यादा ये गुड न्यूज है। अगर आप फोल्डेबल फोन यूज करना चाहते हैं तो ऐसा बताया जा रहा है 2021 में आपको 30th 40th 50th में भी काफी सारे फोल्डेबल फोन देखने को मिलेगा, और सैमसंग के भी काफी कम प्राइस रेंज में आपको फोल्डेबल फोन देखने को मिल सकता है। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज निकल कर आता है टेक्नो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि टेक्नो की तरफ से आपको under 10,000 में जल्दी 5G फोन देखने को मिल सकता है January 2021 में। सो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लिए सब्सक्राइब और बेल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा सारे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट का जाकर जरूर चेक कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक रोके बाय, लेट्स गो।